नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे DIY शेयर करती हूँ जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही DIY मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और अपने घर को सजाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से क्रिएट करती रहती हूँ। तो आज मैं बहुत ही सुंदर से DIY आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो सबसे पहले DIY के लिए मुझे जूट रोप की ज़रूरत थी, तो मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 लड़ की ज़रूरत है और ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पर पेंट का सामान मिलता है उन लोगों के पास भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पर 3 रस्सियाँ ले रखी हैं जूट की और उनको टेप की सहायता से थोड़ा सा पैक कर दूंगी सपोर्ट के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर चोटी गूंदनी है, जिस तरीके से हम अपनी चोटी गूंदते हैं। तो मैंने पहले से ही बना कर रखा है, थोड़ा सा टाइम बचेगा इस वजह से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ पर ले रखी है इस तरह की वाइट कलर की रोप, जो उसी की दुकान से मैं लेकर आई थी। फिर उसके बाद हम इस तरीके से रोल 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 करेंगे। ये आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा DIY है। पर आपको फ्रेंड्स सच बात बताऊं, मुझे इतना मज़ा नहीं आया इस वाले DIY में। जो मज़ा अगर मैं इसको सिलाई करके करती ना, थोड़ा सा टाइम जाता लेकिन चीज़ अच्छी बनती। मुझे ग्लू गन से इसमें ना वो फिनिशिंग नज़र नहीं आई जो चीज़ हम ऑनलाइन मंगवाते हैं इस तरीके के, चाहे वो मैट हो, चाहे वो टेबल रनर हो, या जो भी इस तरीके के जो आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं, जो फिनिशिंग उसमें दिखती है वो फिनिशिंग मुझे इसमें नहीं मिली। रीज़न यही था कि ग्लू गन से मुझे मज़ा नहीं आया काम करने में, कहीं कहीं ना ग्लू गन दिखाई दे रहा था। इस वजह से मैं आप लोगों को एक सजेस्ट दूंगी। अभी तो गाइज मैंने बना लिया, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। और मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप इसे बनाते हो तो सिलाई करके ही बनाइएगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा। और ग्लू गन से आप थोड़ी थोड़ी जगह पे चिपका दीजिए ताकि आपको एक सपोर्ट मिल जाए, और उसके बाद फिर सुई धागे की मदद से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है और सारी चीज़ें मैं आपको एंड में सारा लगा कर दिखाऊँगी, मैंने कौन सी जगह के लिए क्या चीज़ क्यों और किस लिए बनाई है। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दूसरा DIY, जिसके लिए मैंने ले रखा है मोल्डेड के लिए। तो इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद मैं ये जो स्टेंसिल है अल्फाफेट वाले, इसमें ABCD बने हुए हैं। और जो मैं अभी आप लोगों के साथ डेकोर पीस शेयर करने जा रही हूँ ऑनलाइन, इसकी बहुत ही महंगी प्राइस है, 600 से 700 रुपए में आपको मिलेगा। लेकिन हम इसे आसानी से अपने साथ घर पे बना सकते हैं, बस आपको स्टेंसिल की ज़रूरत है। नहीं है तो आप घर पर, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये जो लेटर है आप खुद भी क्ले से बना सकते हो, HOME बनाकर रेडी कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत क्ले बच गया था तो उससे मैं ऐसे फूल बनाकर रख देती हूँ, कभी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में काम आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो क्ले लिया था थोड़ा बच गया था, तो मैंने इससे फूल बनाकर रेडी कर लिए। अब यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था फ़ैन की हवा में, और तब तक अपने दूसरे काम निपटा लिए। और 1 घंटे बाद ये थोड़ा सा 80% के जितना लगभग सूख जाता है, क्योंकि अभी गर्मियां पड़ गई हैं। और इसको अभी मैंने निकाल लिया और इस समय पे जितना थोड़ा बहुत है सेट कर लेना है, क्योंकि इसे हमें खड़ा करना है। तो वैसे तो ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अल्फाबेट में थोड़ी भी अगर 19-20 टेढ़ा मेढ़ा हो तो इस समय पर आप सेट कर सकते हो। अब इसके बाद मैं सिलिकॉन ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, फेविकॉल से भी आप चिपका सकते हो। जो हमने छोटे छोटे फूल बनाए थे मोल्डेड क्ले से, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होल था, उस जगह पे मैंने इन फूलों को चिपका दिया। और ओ पे तो पूरा ही राउंड करके फूल लगा दिया है, बहुत प्यारा दिख रहा है। और इसे फिर आपस में इस तरीके से चिपका देंगे हमें, क्योंकि इसे खड़ा करना है। तो बस आप देखते जाइए वीडियो को, बहुत ही सुंदर सा ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। और इसे रात भर के लिए मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया इस तरीके से चिपकाने के बाद।
दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के अब मैं इसको कलर वगैरह करूँगी। देखो कितना मजबूती से ये सूख चुका है। अब जो भी मैं कलर करती हूँ सबसे पहले वाइट करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई भी कलर अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर, ग्रीन कलर और गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है। आप अपने मन मुताबिक इसके ऊपर कलर कीजिएगा और उसके बाद सूखने के बाद वार्निश का अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पेपर को फोल्ड किया और 6 इंच मैंने लंबाई में मार्क किया और एक लीफ होता है ना पत्तिया का आकार, वैसा एक आकार दिया और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेंसिल बन गया समझ लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ले रखा है कैनवास और कैनवास के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से जो पेपर हमने कट किया था उसको रखेंगे और निशान लगा लेंगे और फिर कट कर लेंगे। तो हमारे पास कैनवास के ना बहुत सारी पत्तियाँ आ जाएंगी। तो पत्तियों का जो माप है आपने देख लिया, 6 इंच लंबाई में लिया है। चौड़ाई मैंने कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लिया, बस उसको ड्रॉ कर दिया है। बस इस तरीके से हमें एक आकार देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब मेरे पास एक पुराना साड़ी का कपड़ा टुकड़ा बचा हुआ था जो मैंने पहले भी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ की थी। ये साड़ी ख़राब साड़ी थी ये, तो इसी में से ही मैं जो जहाँ जहाँ ख़राब था वो मैंने अलग कर दूँगी और थोड़ा बॉर्डर निकाल के अलग कर दूँगी। अब मैं जितने भी ये पत्ते हमारे कैनवास पे हमने कट किए थे उनको प्रेस से चिपका दूँगी कपड़े के ऊपर। और ये बहुत ही सुंदर सा है आपके लिए, एक मैं रनर शेयर कर रही हूँ, टेबल रनर, जो कि मार्केट में आई हो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ जो आपकी बन के आएगी ना वो बहुत ही प्यारी बनेगी। एक ट्रेडिशनल अगर आप अपने घर को लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके के DIY करते रहिए, आपका घर सुंदर तो दिखेगा ही, बहुत प्यारा भी लगेगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ। तो मैं अभी अपने बोलने के थोड़ा ब्रेक देती हूँ और आप खाली देखो कैसे मैं बना रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखिए, मुझे पूरा 2 से 3 घंटे लगे इस पत्तियों को बनाने के लिए। तो बस अब इनको मैंने रेडी कर लिया है। अब आप खाली देखते रहिए मैं किस तरीके से इन पत्तियों को सबको चिपका रही हूँ आपस में। चिपकाने का कारण यही है ताकि सिलने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। और बस अगर आप डायरेक्ट सिल सकते हैं तो डायरेक्ट सिलिए, नहीं तो मैं यहाँ पर ग्लू गन से पहले चिपका ले रही हूँ, फिर बाद में स्टिच करूँगी इसके ऊपर ऊपर। तो इस तरीके से हम एक लंबा सा अपना जो टेबल का लंबाई है उस हिसाब से, मेज़रमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे सेंटर टेबल पर कैसा लगेगा। तो काफ़ी टाइम से मेरा कुछ सेंटर टेबल ऐसे ही सिंपल तरीके से सजा हुआ है, एक मैट रखा है उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो बस अब इसको टेबल को साफ़ वगैरह कर लिया है और अब मैं इस सेंटर टेबल के ऊपर इसको बिछा रही हूँ कॉर्नर की तरफ से, इस तरीके से उसी हिसाब से मैंने मेजरमेंट लिया था।
तो आपका जो भी टेबल है आप उस हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा, और जो भी आपके पास डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनको रखिए। तो मेरा इस बार गर्मियों में समर जो लिविंग रूम है, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ ब्लू है, कुछ वाइट है, तो बस उसी हिसाब से अपने इस लिविंग रूम को मैंने सजाया है। अब गाइज आपको पता है ये सेंटर टेबल कॉफ़ी टेबल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो मैंने खुद DIY किया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक पॉट रखा हुआ था मैंने इसके ऊपर और कुछ नहीं रखा था। तो इस जगह को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर ये मेरा एक DIY मतलब ग्लास है, इसको अंदर से मैंने वाइट पेंट किया और इसके अंदर मैंने मनी प्लांट डाल दिया, और ये छोटू सा मैट जो मैंने अभी बनाया उसके ऊपर ये कैंडल होल्डर रख देंगे, और इस जगह का जो हीरो है होम इसको हम यहाँ प्लेस कर देंगे बस। तो इस जगह की जो शोभा है कुछ इस तरीके से बढ़ गई है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ये सेंटर पीस आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल बजट में ये से मैंने बनाया है और बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रहा है। मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने घर को कोशिश करती हूँ कि ट्रेडिशनल ही रखूँ, और जितना समझ में आता है, मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं कर रखा इंटीरियर वगैरह का, जैसा समझ में आता है उसी हिसाब से अपने घर को सजाती हूँ, अपने हिसाब से DIY करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के पास में है मैरिज हॉल और इस टाइम पर शादी हो रही है तो मेरे पास कोई समय नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जब भी समय मिलता है तभी वीडियो बनाती हूँ। अब वो बाहर से आवाज़ें आती है तो वो थोड़ी सी उसको एडजस्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है। फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट DIY नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिल से धन्यवाद करती हूँ अभी तक वीडियो देखने के लिए और लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।